वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी सैकेंड क्लास की दूजी छमाही के लैसन लंगर बारे गल करांगे। लंगर, लंगर का शब्दी अर्थ है पाकसाल, भाव के रसोई घर। सिख धर्म विच इसकी बहुत वड्डी महिमा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो लैके अज तक सिख अपने घर गुरद्वारों विच साल संगत अते लोड़बंदा नूं अपनी दसा नौहां दी किरत कमाई विचों मुफ्त सेवा करदे हन, उसनूं लंगर कहा जांदा है। सिख इतिहास विच गुरु नानक देव जी तों लंगर दी प्रथा चली आ रही है। गुरु अंगद देव जी ने सधारण लंगर तों स्वादी लंगर आरंभ किया। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने संगत ते आए गए मेहमानां लई लंगर छकना जरूरी कर दिता। सिख धर्म विच लंगर दसा नौहां दी किरत कमाई विचों कड्डे दसवंध नाल चलाया जांदा है, ना कि किसी अमीर वल्लों दित्ते दान नाल। सिख हर रोज़ अपनी अरदास विच भी मंग करदा है कि वह गुरमर्यादा अनुसार संगत दी अते लोड़मंदां दी लंगर द्वारा सेवा करे अते गुरु जी दीआं खुशियां प्राप्त करे। प्यारे बच्चों, सिखी मर्यादा अनुसार सानू लोड़वंदां दी लंगर आदि नाल सेवा करनी चाहिए है, जिस नाल भाईचारा ते समाजिक एकता भी वधदी है। हाँ जी, हुण असीं इस दे अभ्यास दे प्रश्न करांगे। लंगर दी प्रथा किहड़े गुरु जी ने चलाई? गुरु नानक देव जी ने। लंगर किस नूं कहिंदे हन? दसा नौहां दी किरत कमाई विचों कड्ढे दसवंध विचों ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।